वो शमशाबाद की तरफ से आ रहे थे, ठीक है। उनका नाम जोगिंदर है, जिला हाथरस के रहने वाले थे। दो व्यक्ति थे, एक प्लेटिना गाड़ी पर, एक पैशन प्रो गाड़ी पर। जो पैशन प्रो गाड़ी पर थे वो आगे थे और प्लेटिना वाले पीछे थे, तो वो सीधे उन पर गाड़ी कवर नहीं हुई है, वो सीधे घुस गए थे उसमें, ठीक है। तो उसने पीछे बैक मारा है ट्रक वाले ने, तो उसने बेकाबू डंपर बाइक सवार को लिया अपनी चपेट में, बाइक सवार की गई जान। स्थानीय लोग भयभीत। आज सुबह करीब 10 बजे थाना ताजगंज क्षेत्र शमशाबाद रोड देगनेर नहर की पुलिया के पास बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान हाथरस निवासी जोगेंद्र सरस्वत की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक सवार जोगेंद्र शमशाबाद की तरफ से मिर्च की पौद लेकर आगरा की तरफ आ रहा था। रास्ते में देगनेर की नहर की पुलिया के पास बेकाबू डंपर ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे को देख स्थानीय निवासियों की भीड़ जुट हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी वाहनों के चलते आए दिन यहाँ सड़क दुर्घटना हो रही है और लोगों की जान जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शासन प्रशासन भारी वाहनों के लिए उचित रास्ता निकाले ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक है। देगनेरपुर के पास जो हादसा हुआ है, क्या है पूरी घटना? पूरी घटना जी है, वो शमशाबाद से मिर्च की पौध ला रहे थे, पुल पर डंपर से उनका एक्सीडेंट हो गया, वो लोग ख़त्म हो गए। दो बंदे थे, एक बंदा आगे चल रहा था, एक बंदा पीछे चल रहा था। जो पीछे वाला था वो सेफ हो गया, आगे वाला बंदा था वो ख़त्म हो चुका है। तो किस पर सवार थे? बाइक से थे? मोटरसाइकिल थी, उसमें स्प्लेंडर एक थी, वो प्लेटिना, प्लेटिना वाले सेफ हैं, स्प्लेंडर वाले ख़त्म हो चुके हैं। जी आर में बत्ती हैं वो। डंपर से हुआ है? डंपर से हुआ एक्सीडेंट। कहाँ के निवासी हैं ये? रहने वाले कहाँ के हैं? जी निवासी हैं, ग्वालियर वाले रहने के, हाथरस के थोड़ी। अच्छा, जो जो व्यक्ति ख़त्म हुआ है उसका क्या नाम? उनका नाम जोगिंदर है। जोगिंदर ख़त्म हुए हैं। क्या उम्र रही होगी? उम्र तो मुझे नहीं पता है सर उनकी कितनी होगी, पर वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपके रिश्तेदार हैं? वो रिश्तेदार हैं हमारे, अंशुर राठौर। अंशुर, किस तरीके से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं? वो शमशाबाद की तरफ से आ रहे थे, ठीक है। उनका नाम जोगिंदर है, जिला हाथरस के रहने वाले थे। दो व्यक्ति थे, एक प्लेटिना गाड़ी पर, एक पैशन प्रो गाड़ी पर। जो पैशन प्रो गाड़ी पर थे वो आगे थे और प्लेटिना वाले पीछे थे, तो वो सीधे उन पर गाड़ी कवर नहीं हुई है, वो सीधे घुस गए थे उसमें, ठीक है। तो उसने पीछे बैक मारा है ट्रक वाले ने, तो वो उसमें आ गई। लगातार आए दिन हादसे, यही मानते हैं कि इसको यहाँ से बंद किया जाए और सीधे सही से निकाला जाए। किन वाहनों का ट्रक ज्यादा है यहाँ? यही आर एस अग्रवाले हैं, यही ट्रक वाले हैं जो डंपर यही करते हैं आए दिन। अच्छा, हाँ यही करते हैं, इनसे ही होता है। अभी 19 वर्ष युवक था हमारे गाँव का, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था यहीं पर कुछ दिन पहले। कल हाँ, चार दो महिला दो पुरुष, चार की मौत। हाँ आए दिन आते हैं, यही मांग है कि यहाँ से बंद किया जाए, यहाँ पर डिवाइडर या कुछ लगाया जाए। हाँ सीधे मतलब ये बहुत दर्दनाक है और ये हाईवे चलता है पूरे दिन, रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है। ये रोड पर इतना प्रतिदिन घटना हो रही है, कल भी चार लोग दो घटना हुई है दो बार। मानते हैं आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं क्या? हाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये डैम्पर वाले बहुत गलत तरीके से चलाते हैं, ये मोड़ है, मोड़ पे तो उधर से घुसाएगा इधर से घुसाएगा, ऐसे करके घुसाते हैं। इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये हमारी मांग है।